प्राइस बेस्ड मार्केट में और जो क्वालिटी बेस्ड मार्केट है उसमें यही डिफरेंस होता है कि जब आप एक प्राइस बेस्ड मार्केट में जाते हो, जब आप अपने प्रोडक्ट को प्राइस के कम प्राइस करके बेचने की कोशिश करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में बहुत बल्क ऑर्डर मिलने की संभावना रहती है। आप एक अच्छी सेल बहुत मिनिमम टाइम पे कर लेते हो, लेकिन जब आप क्वालिटी बेस्ड मार्केट में आते हो केवल, आपको लगता है कि आपको क्वालिटी बेस्ड मार्केट में आनी है, आपको रेट के कंपटीशन में नहीं पड़ना है, तो उसमें जब आप शुरुआत में कस्टमर को अप्रोच करते हो, उन तक जाते हो, तो आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं कि वो कंपनी इतने में दे रही है, ये प्रोडक्ट तो इतने में मिल जाता है। लेकिन जब आप लगे रहते हो तो आपको बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी मिल जाते हैं जो क्वालिटी पे काम करना चाहते हैं या आपको एक मौका देना चाहते हैं। तो जब आपको मिलना शुरू हो जाता है तो फिर आपकी जो बिजनेस है वो वहां से थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो जाता है। उसमें टाइम लगता है, जो क्वालिटी बेस्ड मार्केट है उसमें आपको अपना बिजनेस स्टेबल करने में थोड़ा टाइम लगता है एज कंपेरिजन जब आप प्राइस बेस्ड मार्केट में आते हो तो। लेकिन प्राइस बेस्ड मार्केट में क्या है कि अगर देखो आप क्वालिटी के साथ कम रेट में दे रहे हो फिर तो आप ग्रो भी कर सकते हो, सस्टेन भी रह सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तो यही है ना कि जब आप काम करना शुरू करते हो प्राइस बेस्ड मार्केट में तो उससे कम रेट का हमेशा प्रोडक्ट उस कस्टमर तक पहुंचने की संभावना रहती है। तो जब आपने कोई चीज इस रेट पे दी तो कोई और उसको कम रेट पे देने की कोशिश करेगा तो फिर आपको और रेट कम करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं फिर आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज वहां पे करना शुरू कर देते हो, और जब आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हो तो फिर आप ये मान के चलो कि आप ज्यादा सस्टेन नहीं रह सकते हो। आपकी गाड़ी चलेगी तो है लेकिन वो धक्का स्टार्ट ही रहेगी। लेकिन जब आप क्वालिटी बेस्ड मार्केट में रहते हो तो फिर वहां पे आपका जो रेट बेस्ड कंपटीशन है वो तो खत्म ही हो जाता है। कोई कम रेट पे भी आपके कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास लेके आता है तो वो ये कहता है यार इसकी क्वालिटी अच्छी है, जो कस्टमर है वो इसको मांगना ज्यादा पसंद करता है, तो आपका रेट की बजाय मेरे को क्वालिटी भी ज्यादा पसंद है, मैं क्वालिटी भी लेना पसंद करूंगा इसी रेट में। फिर वो उस रेट में उससे क्वालिटी भी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसने रेट ही इतना कम दे दिया उसमें वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रख पाएगा लॉन्ग टर्म में। एक या दो बार हो सकता है वो क्वालिटी दे भी दे। तो यही रहता है, जब आप क्वालिटी बेस्ड मार्केट में आते हो तो आपको ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है, ज्यादा मार्केटिंग एफर्ट की जरूरत होती है। लेकिन जो ये मार्केट होती है, जो ये बिजनेस करने का तरीका होता है, ये सस्टेनेबल होता है। आपको इसमें एक सस्टेन ग्रो मिलेगी, सस्टेन आपका बिजनेस चलेगा हर मंथली ईयरली बेसिस पे, वहां पे ज्यादा रेट की कंपटीशन में। और क्या होता है कि देखो मार्केट में हर तरह का कंज्यूमर आपको मिलेगा, कस्टमर मिलेगा, रेट बेस वाला भी मिलेगा, क्वालिटी वाला भी मिलेगा, और ऐसा भी मिलेगा जो यही सोचते हैं कि किसी प्रोडक्ट का रेट हाई होता है तभी अच्छी क्वालिटी होती है। तो बहुत तरह के कस्टमर यहाँ पे मिलते हैं। तो मेरा यही रहता है, मैं अपने बिजनेस में भी क्वालिटी बेस्ड मार्केटिंग की ही कोशिश करता हूँ कि अपने प्रोडक्ट पे जितनी अच्छी से अच्छी क्वालिटी दे सकूं उतनी कोशिश करता हूँ। तो मैं न्यूकमर्स को भी यही एडवाइस करता हूँ कि आप क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका कंपटीटर जो रेट पे खेल रहा है वो आपसे जल्दी ग्रो कर रहा हो, लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने ही बिजनेस करना है, ये तो इनफिनाइट गेम है और ये लंबी चलेगी, आपको दूर का सोच के चल रहा है। जब आप क्वालिटी बेस पे जाओगे तो फिर आप उसको 1 साल 2 साल 3 साल बाद आप डिफरेंस ऑटोमेटिकली देखना शुरू कर दोगे।